नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। हजारीबाग जिले के चौपारण की दनुआ घाटी में गैस टैंकर पलटने से भीषण विस्फोट, ड्राइवर समेत तीन लोग जिंदा जले। हजारीबाग जिले के चौपारण की दनुआ घाटी में शनिवार रात एक गैस टैंकर के पलटने से हुए भीषण विस्फोट में तीन लोग जिंदा जल गए। धमाके के बाद गैस टैंकर से धधकी आग की लपटों की जद में आकर तीन अन्य वाहन भी जल गए। ये भीषण हादसा झारखंड बिहार के सीमावर्ती जीटी रोड पर रात के तकरीबन 9:45 बजे हुआ। बताया जाता है कि 4,000 लीटर गैस लेकर जा रहा भारत गैस का टैंकर जोरवा टाण पुल से नीचे गिर गया। इससे टैंकर धमाके के साथ कई जगह से फट गया और आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया। इससे जीटी रोड के दोनों ओर 5 से 7 किलोमीटर दूरी तक वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। यानी तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर तक एक लंबा जाम लग गया। रह रहकर हो रहे धमाकों से घटनास्थल से 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद कई ग्रामीण के घर भी प्रभावित हुए और वो बाहर निकल गए। टैंकर में आग लगने से जिंदा जले लोगों में यूपी के सनकुरवा गौरीगंज जिला अमेठी निवासी ड्राइवर रियासत बाबू, चौपारण निवासी बबलू यादव और बरही के रहने वाले राजू यादव शामिल हैं। टैंकर की आग की जद में आकर जले वाहनों में एक ट्रक, एक हाईवा और एक ट्रेलर है। हाईवे पर कोयला लदा था जबकि ट्रेलर चना दाल लेकर जा रहा था। हादसे में तीन वाहनों के चालकों की मौत हुई। कोयला लदे हाईवा का चालक जख्मी हो गया। दुर्घटनाग्रस्त भारत गैस टैंकर हल्दिया बंगाल से पटना के दीघा जा रहा था। बरही डीएसपी नाजिर अख्तर, थाना प्रभारी स्वप्न महतो तथा चौरदाहा चेक पोस्ट प्रभारी रंजीत मरांडी सुखदेव मुंडा ने रात में ही दुर्घटना स्थल से कुछ दूरी पर दोनों तरफ जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। इससे अन्य वाहन सुरक्षित रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।